हाँ जी, स्वागत है सारे का मेरी क्लास के विच। आज इस वीडियो दे विच असी छेवीं जमात दी साइंस दा अध्याय नंबर एक करांगे, जिसका नाम है भोजन। तो यह भोजन यह कित्थों आंदा है, यह जो अध्याय है इस दी क्रियावां नाल संबंधित जो प्रश्न उत्तर से ते बाकी जो बुक वर्क बनता सी खलथावां वगैरह सही गलत वह सब इस वीडियो दे विच अज असी करांगे। सो कंप्लीट वीडियो तुसीं ने जरूर देखनी है। पहला असी क्रियावान रिलेटड जो सवाल बनते सी यह हल करते हाँ। पहला प्रश्न सी, पहली क्रिया के नाल संबंधित भोजन पदार्थों नूं तैयार करने लई लोड़ीदियां वस्तुओं नूं की कहिंदे ने, इसका उत्तर लिखोगे तुसीं समगरी। प्रश्न नंबर दो, खीर बनाउण लई कीड़ी समगरी वरती जाती है, उत्तर चावल दुध खंड आदि। इस तो बिना देखो तुसीं अपने कोलों काजू वगैरह पाना चाहते हो तो वह वरत सकते हो, आदि लगा के छड्डता। इस तो बाद क्रिया नंबर दो, वख वख पौद्यां दे खाण योग भागां दी पछाण करनी। इस दे विच पहला प्रश्न बनता है कि पौधे का वह भाग जो भोजन वजो वरते आता है की खवाउंदा है, खाण योग भाग, इसका उत्तर ये लिखोगे तुसीं। प्रश्न नंबर दो, अंब दे पौधे का केड़ा भाग खाण योग हुंदा है, इसका सही उत्तर होएगा फल। क्रिया नंबर तीन, जानवरां दीआं भोजन संबंधी आदतां नूं जानना। प्रश्न नंबर एक, दो अजिहे जानवरां दे नां दसो जो केवल पौद्यां तों प्राप्त उत्पाद ही खांदे हन, उत्तर हिरन गां हाथी खरगोश आदि। प्रश्न नंबर दो अजिहे जानवरां दे नां दसो जो केवल मांस ही खांदे हन, उत्तर शेर चीता आदि। प्रश्न नंबर तीन, दो अजिहे जानवरां दे नां दसो जो भोजन लई पौद्यां ते जंतुआं दोवां उपर निर्भर हन, उत्तर मनुख कुत्ता बिल्ली आदि। यह क्रियावां वाले प्रश्न हुण पूरे हो गए ने, हुण असीं करांगे खाली थावां भरो। अभ्यास शुरू हो गया हुण इसका, इस पाठ का पहला भाग सी खाली थावां भरो। पहली खाली थां है कि भोजन पदार्थ बनाउण लई लोड़ी दे समाग नूं डैश कहिंदे हन, समगरी। नंबर दो, अंडे दे चिट्टे भाग नूं डैश कहिंदे हन, एल व्यूमिन। यह तुसीं भर सकदे हो, जो हाईलाइट की हुई है खाली थां दे विच शब्द भर सकदे हो। नैक्सट है जी, पौधे डैश क्रिया राही अपना भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। सो यह तुसीं कंप्लीट कर सकते हो। हाँ जी, इस तों बाद अगली खाली थां है, सरों के बीज अते पत्ते भोजन के तौर पर वरते जाते हैं। पहली खाली थां दे विच बीज, अगले विच पत्ते भर सकते हो। शहद की मक्खी फुलों तो डैश इकट्ठा करती है रस, इस खाली थां दे विच भरोंगे तुसीं रस। हुण अगला भाग करते हाँ असीं सही गलत दसण वाला। देखो जी, इहदे विच पहला सही गलत है कि सारे जानवर मांसाहारी हुंदे हन, गलत। शक्करकंदी दी जड़ नूं भोजन दे रूप विच वरते आंदा है, सही। पोषण दे पक्ष तों अंडा एक वधिया भोजन पदार्थ नहीं है क्योंकि इस विच प्रोटीन नहीं हुंदे, गलत। गन्ने दे तने नूं जूस चीनी गुड़ बनाउण लई वरते आंदा है, सही। मक्खण दही शहद दुध तों बने पदार्थ हन, गलत। ठीक है जी, ये शायद है जोड़ा वह नहीं दुध तो बने हुए पदार्थ, इस करके ही गलत हो गया। तो अगला जो भाग है कि मिलान करना सी नी, एक कॉलम उड़ाती हुई एक आड़ा, इन्हों का मिलान करना है गाजर। गाजर का मिलान करा असी जड़ नाल। छोले मटर यह दाला ने, कणक चावल यही अनाज है, आलू तना के रूप में होंगे, तो जोड़ा संतर है वह एक फल है। तो इस तरह इन्हों का मिलान असी नहीं करना सी। इस तो बाद असी करते हाँ अगला भाग, चौथा भाग है कि सही उत्तर की चोण करनी असी ने, जिहड़ा सही उत्तर इन्हां दे चोंस दे उत्ते टिक लगाउणी है। हेठ लिखियां विच्चों किहड़ा सर्ब आहारी जानवर है, शेर, बास, हिरण जां कां। कां जिहड़ा उह सर्ब आहारी है, इस करके असी इहदे चों कां सिलैक्ट करांगे। अगला सही, इहदे चों सही उत्तर दे उत्ते टिक करनी है। अगला जो एम सी क्यू है, बंद गोभी का किहड़ा भाग भोजन के रूप में वरते आता है, इसका सही उत्तर होएगा पत्ते। बंद गोभी के जो पत्ते ने असी उन्होंने वरतने भोजन के रूप में। इस तो बाद है जी भाग नंबर पांच, जो पांचवा भाग है कि छोटे उत्तर वाले प्रश्न। तो छोटे उत्तर वाले जोड़े प्रश्न ने, ये पहला प्रश्न बनता है कि समगरी की होंगी है, उत्तर भोजन पदार्थ बनाने लई जरूरी वस्तुओं नूं समगरी कहते हैं। अगला है जी कि दुध तो बनाए जाते कोई तीन उत्पादों के ना, पनीर, मक्खन, दही। दुध तो कि चीज़ा बन दें, पनीर, मक्खन, दही। ठीक है जी। अगला प्रश्न है कि भोजन पदार्थों
मसाले वजों वरते जाते कोई दो बीजा के नाँ दसो, धनिया, जीरा, काली मिर्च। ठीक है जी। इस तो बाद जो भाग नंबर 6 बनता है कि छोटे उत्तर वाले प्रश्न, तो ये विच्चों जो उत्तर लिख सकते हो तुसीं इसका कि बीज मनुखी भोजन का मुख स्रोत किवें हन, यह पहला प्रश्न है। उत्तर लिख सकते हो तुसीं क्योंकि ज़्यादातर भोजन असीं बीजा तो ही प्राप्त करते हाँ, जिमें कणक, चावल, दालां आदि। इस तरीके नाल तुसीं इहदा उत्तर लिख सकते हो। अगला प्रश्न है जी कि जीवित प्राणियों लई भोजन की की महत्ता है। उत्तर, जीवित प्राणियों नूं वख-वख क्रियावां लई ऊर्जा प्राप्त करन वास्ते, ऊर्जा प्राप्त करने लई, वाधे लई, बीमारियों तो बचा लई अते शरीर विच होण वालियां ढा उसारू क्रियावां आदि लई भोजन की जरूरत हुंदी है। जानवरों तो प्राप्त किए जाने वाले कोई दो भोजन पदार्थों बारे संखेप विच लिखो। जानवरों तों सानूं दुध, मांस अते अंडे मिलते हैं। इस तो बाद है जी सत्तम भाग के बड़े उत्तरां वाले प्रश्न। प्रश्न है कि भोजन संबंधी आदतां दे आधार ते जानवरों नूं किस तरह श्रेणीबद्ध किया गया है, उदाहरण दे के व्याख्या करो। नंबर 1 शाकाहारी जानवर हुंदे ने, नंबर 2 मांसाहारी, नंबर 3 सर्वहारी। शाकाहारी, यह केवल पौद्यां तों ही प्राप्त करते हैं अपना भोजन, जिहड़ा पौद्यां तों प्राप्त करते हैं, जिवें उदाहरण वजों हिरण, गां, हाथी, खरगोश आदि। मांसाहारी, यह भोजन लई केवल दूजे जानवरों नूं ही खाते हैं, भाव यह मांस खाते हैं। मांसाहारी जिवें शेर, चीता आदि। सर्वहारी, यह पौद्यां ते दूजे जानवरों तों भोजन प्राप्त करते हैं, उदाहरण वजों मनुख, बिल्ली, कुत्ता आदि। यह की ने सर्वहारी ने। सो इस तरीके नाल असीं ने इस पाठ का सारा अभ्यास, जिस दे विच प्रश्न उत्तर सही गलत खलथावां जो भी बुक वर्क सारा अभ्यास बनता सी उसने पूरा कर लिया। इस तरह दीआं होर वीडियोज़ देखने लई साडे चैनल मेरी क्लास नूं सबसक्राइब जरूर करिओ। धन्नवाद जी।